अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फो ऑल ओवर। बड़ी खबर, बहुत ज़्यादा बड़ी, क्रिकेट शायकीन के लिए बहुत बड़ी खबर। आई एम गोइंग टू पाकिस्तान टुमारो, हु कमिंग विद मी। क्रिस गेल ने जनाबे आला ट्वीट किया है कल शाम, अपने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया है कि मैं कल पाकिस्तान जा रहा हूँ, मेरे साथ आने के लिए कौन इंटरेस्टेड है। बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत को जिस तरह से धचका देने की कोशिश की न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम ने। आप देखें, क्रिस गेल जो कि दुनिया क्रिकेट का T20 इंटरनेशनल का एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट के हमेशा से हैर हुआ रहने वाले बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, शाहाना अंदाज रखते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के लगाकर 150 रन बनाने वाले T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट IPL के अंदर क्रिस गेल पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो रीसेंट मसला बना है, न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम आई और वापस चली गई, क्रिस गेल दुनिया भर के लीग्स में खेलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो लीग है PSL उसमें शामिल होते हैं, IPL के अंदर भी क्रिस गेल शामिल होते हैं। इसी के साथ साथ क्रिस गेल ने IPL के साथ साथ बिग बैश भी खेल रखी है, हर लीग के अंदर क्रिस गेल मस्ट आए होते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत हुशाइन बात है, इतना बड़ा ट्वीट किया क्रिस गेल ने अपनी जिम्मेदारी के ऊपर कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, मेरे साथ कौन जाना चाहता है। पाकिस्तान असल में है ही लैंड ही ऐसा कि वो पैट्रियटिज़म की एक हमने कहानी पढ़ी थी, वो सारी वही है पाकिस्तान के अंदर, मोहब्बत ही मोहब्बत। तो जनाब, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, क्रिस गेल पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं कल। 18 सितंबर का उनका ट्वीट है, 19 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी दी है पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी इसके हवाले से काफ़ी खुश नज़र आ रही है। PCB को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर आके जब खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आके, पाकिस्तान के अंदर आके, पाकिस्तान की सालमियत के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान की जो इंक्वायरी है उसको भी मज़ीद आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। क्रिस गेल को जो प्रोटोकॉल न्यूज़ीलैंड को दिया गया, मेरे ख्याल में क्रिस गेल को ये वाला प्रोटोकॉल अब देना चाहिए, क्योंकि वो बंदा देखें इतनी मेहनत करके इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है कि पाकिस्तान वो आ रहा है, कि पूरी दुनिया इंग्लैंड सोच रहा है कि हम बाइकआउट कर दें, और उसी के साथ साथ न्यूज़ीलैंड ऑलरेडी बाइकआउट कर चुका है, 48 घंटे में फैसला मतवक्के है इंग्लैंड का। इंग्लैंड हेल्स के ट्वीट के मुताबिक तो यही लगता है कि पाकिस्तान का दौरा करेगी, और वो शायद ही नज़र आ रहा है, देखें क्या बनता है। क्रिस गेल ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तानी फैंस को और पाकिस्तानी सपोर्टर्स को। हम क्रिस गेल को वेलकम कहते हैं, थैंक यू।